सो दोस्तों, ये है हमारी नॉन स्मार्ट टीवी और इसका रिमोट भी नहीं है। इस टीवी को हम बनाने वाले स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी बॉक्स की मदद से। और इस बॉक्स का हम सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस बॉक्स के अंदर क्या है, मैं आपके सामने खोलकर आपको दिखाता हूँ। और ये एंड्रॉयड बॉक्स कौन सी टीवी पे काम कर सकता है वो भी हम देखेंगे। तो इसमें देखिए, ये सबसे पहले एंड्रॉयड बॉक्स का मेन यूनिट है, MXQ Pro कंपनी का 4K एंड्रॉयड बॉक्स है। उसके बाद इसके साथ हमें आया है बॉक्स में एक अडाप्टर, और आई है एक HDMI केबल, और आया है एक रिमोट जो कि इस एंड्रॉयड बॉक्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्नो सर्च। मैं जुबैर शेख आप सबका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करो ताकि आपको ऐसी टेक्निकल वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। सो दोस्तों, एंड्रॉयड टीवी बॉक्स की और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। वहाँ पर आप अलग अलग टाइप के एंड्रॉयड टीवी बॉक्स को कंपेयर कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा एंड्रॉयड टीवी बॉक्स किस तरीके से काम करता है और आपकी नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी में कैसे चेंज करता है। इस बॉक्स में आपको यहाँ पे कार्ड रीडर के स्लॉट दिए हुए हैं, साइड में 3 USB पोर्ट दिए हुए हैं, बैक साइड में एक USB पोर्ट है, ऑडियो वीडियो का पोर्ट है, HDMI पोर्ट है, LAN पोर्ट है और अडाप्टर का पॉइंट है। तो हम इसे अडाप्टर लगा के पावर ऑन कर लेंगे, और उससे पहले हम इसके HDMI कनेक्शन जो है वो टीवी से कर देंगे। तो टीवी पे हमने HDMI की जो केबल है वो कनेक्ट कर दी है, और उसी केबल को हम यहाँ पर कनेक्ट कर दिए है इसको। अब जो पावर अडाप्टर है हम उसे लगा देंगे यहाँ पे, और पावर का बटन ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे टीवी ऑन हो चुकी है। अब टीवी का जो मोड है वो AV पर है, हम इसे चेंज कर देंगे HDMI पर कर लेंगे। तो यहाँ पे टीवी का मोड हमने HDMI पर कर दिया है, और अब उसके बाद हम यहाँ पे एक बार हमारा जो एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है उसे ऑन कर लेते हैं। तो एंड्रॉयड टीवी बॉक्स यहाँ पे हमारा देखिए ऑन हो चुका है, और एंड्रॉयड लिखकर आ रहा है यहाँ पर टीवी पर, आप देख सकते हो। तो ये एक्चुअली MBOX का इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, MXQ Pro का ब्रांडिंग किया हुआ है बॉक्स के ऊपर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है हमारा वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, और आप देख सकते हो यहाँ पर मैं रिमोट से उसे कंट्रोल कर रहा हूँ। जैसे ऑनलाइन वीडियोज़ आपको देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, रिकमेंडेड का ऑप्शन दिया है, म्यूज़िक दिया है। उसके बाद आप सेटिंग्स में आ सकते हो, नीचे लोकल में जा सकते हो, माय ऐप्स में जा सकते हो। तो ये सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले सेटिंग्स में जाते हैं और अपने वाईफाई को कनेक्ट कर लेते हैं इससे। तो यहाँ सेटिंग्स में देखिए ये सारे ऑप्शन है आपके सामने, नेटवर्क दिखा रहा है, साउंड दिखा रहा है, डिस्प्ले दिखा रहा है, ऐप्स दिखा रहा है। तो हम सबसे पहले जाते हैं हमारे नेटवर्क में, और नेटवर्क में यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे जो सैटेलाइट, मेरा जो नेटवर्क का नाम है मैं उसे कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। उसका जो पासवर्ड है वो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। तो आप रिमोट से भी देखिए यहाँ पे पासवर्ड डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फास्ट यूज़ करने के लिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इस बॉक्स के ऊपर आप वायरलेस कीबोर्ड माउस कनेक्ट कर दें। मैं यहाँ पे वायर वाला कीबोर्ड कनेक्ट कर रहा हूँ और वायरलेस माउस कनेक्ट कर रहा हूँ। ये वायरलेस माउस का यहाँ पर मेरे पास ये USB डोंगल है, मैं ये कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब जो भी मैं कीबोर्ड से जो टाइप करूँगा वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे SSSS टाइप कर रहा हूँ, देख रहे हो आप स्क्रीन पर आ रहा है। तो फास्ट काम हो जाएगा आपका अगर आप कीबोर्ड माउस कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए माउस भी काम कर रहा है, यहाँ पे माउस भी काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ फटाफट कीबोर्ड से। तो देखिए यहाँ पे कनेक्टिंग टू सैटेलाइट कर रहा है। जैसे ही आप पासवर्ड डालोगे नेक्स्ट पर क्लिक करना, कनेक्टेड सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए मेरे नेटवर्क के साथ ये कनेक्ट हो चुका है। स्केप का बटन अगर आप दबाते हो कीबोर्ड पर तो आपका जो है वो बैक आ जाएगा ऑप्शन। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या और ऑप्शंस है। यहाँ हम माय ऐप्स में आते हैं। तो माय ऐप्स के अंदर देखिए आपको कितने सारे ऐप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। कैलकुलेटर दिया हुआ है, क्लाउड टीवी दिया हुआ है, डाउनलोड है, फाइल एक्सप्लोरर है। फाइल एक्सप्लोरर चेक कर लेते हैं, इसके अंदर 2 GB रैम है और 16 GB का स्टोरेज है। तो फाइल मैनेजर के अंदर देखिए आप USB पेन ड्राइव आपकी देख सकते हो, SD कार्ड आपका देख सकते हो, इंटरनल जो मेमोरी है 16 GB की उसके अंदर आप डेटा सेव कर सकते हो। तो ये फाइल मैनेजर यहाँ पे आपको डेटा स्टोर के लिए मिलता है। YouTube है, Netflix है, ये सारे एप्लीकेशन इसमें बिल्ट इन इंस्टॉल है। यहाँ पर आप आपका YouTube का ID डालकर आप YouTube देख सकते हो, Netflix का ID डाल के Netflix देख सकते हो, और एडिशनल आपको कोई ऐप्स इंस्टॉल करना है तो वो आप कर सकते हो। तो चलिए हम जाते हैं प्ले स्टोर पर और एक आधा ऐप इंस्टॉल करते हैं। ऐसा कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं जो कि भाई कॉमनली यूज़ होता है हर एक के पास। तो यहाँ पे आप टीवी है तो टीवी पर सबसे पहले हम यहाँ पे अमेज़न प्राइम डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए साइन इन का ऑप्शन आया, मैं यहाँ पे साइन इन कर देता हूँ अपनी Gmail ID। जैसे आप मोबाइल पर साइन इन करते हो प्ले स्टोर को, बिल्कुल वैसे ही करना है आपको यहाँ पे साइन इन।
तो यहाँ पर देखिए मैंने टेक्नो सर्च वाली जो ईमेल आईडी है उससे लॉगिन कर लिया है और टर्म्स एंड कंडीशन के पेज को भी एग्री कर दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे गूगल का जो प्ले स्टोर है वो ओपन हो चुका है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं अमेज़न प्राइम जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है कीबोर्ड से टाइप कर दिया अमेज़न प्राइम इंस्टॉल कर दिया। अगर यहाँ पे कीबोर्ड कनेक्टेड नहीं होता तो आप रिमोट से भी कर सकते हो, आपको स्क्रीन पर कीबोर्ड आ जाएगा यहाँ पे जैसे पहली बार आया था आपने देखा था, तो आप वहाँ से भी सेलेक्ट करके कीज़ प्रेस कर सकते हो, बट उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। अगर आप वायरलेस कीबोर्ड माउस या वायर कीबोर्ड माउस यूएसबी वाले कनेक्ट कर देते हो तो आपका एकदम फटाफट काम हो जाएगा, आपका जो टीवी है वो लाइक अ कंप्यूटर लाइक अ मोबाइल आपका काम उस पर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अमेज़न प्राइम डाउनलोड हो रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर देखिए 18% जो है वो डाउनलोड हो चुका है। थोड़ा सा स्लो चल रहा है वाईफाई होने की वजह से, क्योंकि वाईफाई थोड़ा दूर है, रेंज कम है। तो मैं इस पर आपको लैन भी कनेक्ट करके बताऊंगा कि लैन पर जो है तो वो कैसे चलेगा। तो हम यहाँ पर बैक आ जाते हैं, वापस से माई ऐप्स में जाते हैं। यहाँ पर देखिए सारे आपको बहुत सारे यहाँ पे ऐप्स आपको दिए हुए हैं, आप यहाँ पे इजीली इन ऐप्स को जो है तो ओपन कर सकते हो, रिमोट की मदद से भी कर सकते हो। देखो मैं रिमोट की मदद से कर रहा हूँ, ऊपर नीचे आप नेविगेट कर सकते हो। तब तक हम यूट्यूब यहाँ पर चालू करके देख लेते हैं। ऑब्वियसली यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यूट्यूब देखना तो बनता है भाई, स्मार्ट टीवी में कैसे चल रहा है, हमारे स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी बॉक्स में यूट्यूब कैसे चलता है। तो यहाँ पर हम टेक्नो सर्च वाली जो ईमेल आईडी है तो आप देख सकते हो यहाँ पे यूट्यूब स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे हम सर्च में जाते हैं, यहाँ से आप सर्च कर सकते हो जो भी आपको सर्च करना हो। तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो, मैं अपने कोई पुराने सर्च में से यहाँ पे कर देता हूँ, शिवपुरी स्ट्रीट फूड यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे शिवपुरी के वीडियोस आ चुके हैं। तो ये किचन कैप्टन का वीडियो देख लेते हैं, जो कि आधा देख रहा था मैं पहले, देखते देखते छोड़ दिया था। तो ये चैनल मेरे दोस्त का ही है, अगर आप लोग अच्छी अच्छी फूड्स की रेसिपी चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साउंड भी आप देख रहे हो कितना क्रिस्टल क्लियर साउंड आ रहा है, आप साउंड अगर बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से रिमोट से बढ़ा सकते हो। सो फ्रेंड YouTube तो काफ़ी बढ़िया चल रहा है। और यहाँ पर देखिए ये हमारा जो डाउनलोडिंग है अमेज़न का डाउनलोडिंग हो रहा है, सिर्फ 21 सेकंड बाकी है। तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन शो करते हैं कि भाई जो भी नोटिफिकेशन आपको शो होना है वो यहाँ पर हो जाएगा। अमेज़न प्राइम पूरा डाउनलोड हो चुका है, अब इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए अमेज़न प्राइम इंस्टॉल हो चुका है, हम इसे यहीं से ओपन कर लेते हैं माउस से क्लिक करके। तो देखिए अमेज़न प्राइम यहाँ पर ओपन हो चुका है, लॉगिन के लिए पूछ रहा है। यहाँ पे मेरे पास इसका सब्सक्रिप्शन नहीं है तो मैं यहाँ पे इसे ओपन नहीं करूँगा। तो यहाँ पर देखिए आपने देखा हमने ऐप भी डाउनलोड करके देख लिया कि भाई इसमें ऐप्स भी अच्छे से डाउनलोड हो रहे हैं और रन हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अमेज़न प्राइम वीडियो जो है अमेज़न प्राइम यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो जो भी आप ऐप्स डाउनलोड करेंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, पहले ये यूट्यूब यहाँ पर था तीसरे लाइन में था, लेकिन अब ये यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पे ये जो क्लाउड टीवी का एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन भी जो है बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसमें बहुत सारे आपको फ्री कंटेंट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो फ्री चैनल जो एक ऑप्शन है, इसमें आपको बहुत सारे फ्री चैनल देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें न्यूज़ के चैनल्स होते हैं, कार्टून्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं और बहुत सारे, आप इतनी सारी कैटेगरी आपको दिख रही है यहाँ पे, मूवीज़ है, न्यूज़ है, स्पोर्ट्स है। जैसे आप यहाँ पे आते हो तो आपको न्यूज़ के जो चैनल्स है वो आपको यहाँ पे इतने सारे चैनल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि फ्री रहेंगे, फ्री चैनल्स हैं, तो आप देख सकते हो इजीली। इंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी बहुत सारे चैनल हैं, एमटीवी लाइव है, एमटीवी यूएसए है, बहुत सारे चैनल्स हैं जो आप यहाँ पे फ्री में देख सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ इंटरनेट की ज़रूरत है, कोई आपको केबल कनेक्शन यहाँ पर नहीं लेना है। लोकल में आपको यहाँ पे आपका जो भी पेन ड्राइव और कार्ड वगैरह अगर आप इंस्टॉल करते हो, कनेक्ट करते हो, तो वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे आप फोटोज़, वीडियोज़ और ऑडियोज़ वगैरह आपके फ़ोन की या लैपटॉप और कंप्यूटर की या पेन ड्राइव की आप देख और सुन सकते हो। यहाँ पे इंटरनेट भी आप यूज़ कर सकते हो, ब्राउज़र आप इंस्टॉल करके इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हो। तो ब्राउज़र इंस्टॉल करने से पहले मैं यहाँ पे इंटरनेट लैन से कनेक्ट कर दूँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लैन केबल है मेरे पास, जो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा। बैक साइड में लैन पोर्ट है, तो लैन पोर्ट को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा ताकि स्पीड ज़्यादा अच्छी मिले। तो यहाँ पे हमने लैन कनेक्शन कर दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर लैन का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर लैन का ऑप्शन आ चुका है। और
सेटिंग्स में अगर आप यहाँ पे नेटवर्क में जाओगे तो नेटवर्क में आपको यहाँ पे लैन कनेक्टेड मिलेगा। आप देख रहे हो ये ईथरनेट यहाँ पे कनेक्टेड दिखा रहा है 192.168.2.5, ये यहाँ पे कनेक्टेड बता रहा है। आईपी सेटिंग्स अगर आपको यहाँ पे करना है तो कर सकते हो आप, यहाँ पे डीएचसीपी पर है। अगर आपको स्टैटिक पर करना है तो आप स्टैटिक पर भी कर सकते हो। साउंड वगैरह की सेटिंग अगर आपको यहाँ पे करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। वॉल्यूम सेटिंग्स आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, जितना आपको रखना है उतना रख सकते हो। यहाँ पे 100% है साउंड सेटिंग। तो अभी हम वापस से प्ले स्टोर पर जाते हैं और प्ले स्टोर पर हम गूगल क्रोम ब्राउज़र डाउनलोड करते हैं, उस पर ब्राउजिंग करके देखते हैं कि भाई हमारा जीमेल आईडी वगैरह हम यहाँ पे खोल पाते हैं, ईमेल्स वगैरह चेक कर पाते हैं या नहीं। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे गूगल क्रोम, तो यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र हम इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर। तो देख रहे हो आप यहाँ पे बहुत फास्ट डाउनलोड हो रहा है क्योंकि हमने लैन कनेक्ट किया है। पहले 25 MB साइज़ वाला अमेज़न प्राइम इंस्टॉल होने में, डाउनलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। गूगल क्रोम 40 MB का एप्लीकेशन है और बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है। तो अगर आप इसे लैन कनेक्ट करते हो वाईफाई के बजाय तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है और ज़्यादा आपको फास्ट स्पीड मिलेगी। तो यहाँ पे हम गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और ये ब्राउज़र यहाँ पर ओपन हो गया, देख लो। तो यहाँ पे ब्राउज़र ओपन हो चुका है और यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे फ्रीक्वेंट ऑप्शन उन्होंने दे दिए हैं फेसबुक वगैरह के। तो आप यहाँ पे आपके आपके पास अगर कीबोर्ड नहीं है तो आप इससे भी टाइप कर सकते हो। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ तो आपको इस तरीके से एरो की मदद से आपको टाइप करना पड़ेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो या आप सिंपली आपके कीबोर्ड माउस से भी टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं मेरी वेबसाइट यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ, technosearch.in, और यहाँ पर आपको गो पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने वेबसाइट का नाम टाइप कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए technosearch की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो बहुत अच्छे से आप इस पर ब्राउजिंग भी कर सकते हो और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अच्छे से आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। अगर आपको और भी ज़्यादा टैब्स आपको खोलना है तो यहाँ पे आप खोल सकते हो। फेसबुक पर हम क्लिक करके देख लेते हैं कि भाई फेसबुक यहाँ पे कैसे ओपन हो रहा है। फेसबुक की वेबसाइट भी यहाँ पर ओपन हो गई, आप लॉगिन कर लोगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। अब हमने यूट्यूब यूज़ कर लिया, वाईफाई कनेक्ट करके देख लिया, USB कीबोर्ड माउस कनेक्ट करके देख लिया, ब्राउजिंग करके देख ली। सिर्फ एक चीज़ बची है जो हमने अभी तक इस पर नहीं की, और होम का बटन अगर आप दबाते हो तो आप यहाँ पर आ जाओगे वापस से। वो है हमने यहाँ पे 4K वीडियो नहीं देखा, तो हम एक बार YouTube पर 4K वीडियो प्ले करके देख लेते हैं जो 4K वीडियो का क्वालिटी कैसा आ रहा है, 4K पिक्चर्स कैसी चलती हैं। तो वो हम यहाँ पे YouTube पे एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं 4K वीडियो अल्ट्रा HD। यहाँ पे कोई छोटा वीडियो हम देख लेते हैं 4K का जो हो, ये वाला वीडियो देख लेते हैं हम 4K अल्ट्रा HD। ओके, 8K अल्ट्रा HD बता रहा है और देखते हैं ये वीडियो कैसे चलता है। तो आप देख सकते हो कितना स्मूथली 4K या 8K वीडियो यहाँ पे चल रहा है एंड्रॉयड TV बॉक्स पे, जैसा आपके मोबाइल में चलते हैं। तो आप देख रहे हो कितने अच्छे से यहाँ पे 4K वीडियो चल रहा है बगैर कोई बफर के चल रहा है। तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है इस एंड्रॉयड TV बॉक्स का। जैसे आप देख रहे हो जो बेसिक चीज़ें हैं जो हर कोई यूज़ करता है वो चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे से चल रही है। तो इसके आगे भी मैं आपको इस पर वीडियोस देते रहूँगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है और किस तरीके का, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है, कोई ट्रबल शूटिंग आपको चाहिए तो उससे रिलेटेड। और अगर आप लोग ये एंड्रॉयड TV बॉक्स ख़रीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका बाय लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। और अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हो बहुत सारे अलग अलग एंड्रॉयड बॉक्सेस का, तो उसके लिए भी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हो। तो अगर आपको एंड्रॉयड TV बॉक्स को बंद करना है तो आप यहाँ से बंद कर सकते हो। देखिए रेड लाइट हो गया, ब्लू लाइट से रेड लाइट हो गया और एंड्रॉयड TV बॉक्स आपका बंद हो गया। एक बार ये प्रॉपर शटडाउन हो जाता है उसके बाद आप पावर अडैप्टर्स आपके निकाल सकते हो। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई, जो प्रोसीजर आपको बताया गया, वो आपके ज़रूर काम आएगा। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आपको आती है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें मैसेज कर सकते हो और इंस्टाग्राम फेसबुक को फॉलो भी कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।